हेलो नमस्कार दोस्तों, नया सीखे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास IRCTC की एप्लीकेशन है और आपको लॉगिन पता है पासवर्ड लेकिन आप भूल गए हैं, ऐसे में हमें कैसे ओपन किया जाना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको शुरू से एंड तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊँगा। चलिए फिर हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है और मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन टिकट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉरगेट पिन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का। तो यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यूज़र नेम जो कि आपने पहले भर रखी थी वही आपको यहाँ पे यूज़र नेम भरना है। चलिए फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर हमें m@bk ये फिल करना है। चलिए इसको फिल कर देते हैं m@bk। तो ये कई बार गलत भी हो जाता है, जैसे इनवैलिड बता रहा है। कोई नहीं, दोबारा हम ट्राई करते हैं। देखिए हम भर बिल्कुल ठीक रहे हैं लेकिन गलत हो जाता है इसमें, दोबारा ट्राई करते हैं। कैपिटल जे कैपिटल वाई नेस्ट। देखिए ये फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज हमारा इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर हमें OTP मिलेगा, OTP को यहाँ पे फिल करना है हमें। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, मोबाइल नंबर के लास्ट की डिजिट आपकी यहाँ पे लिखी होगी कि कौन से मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा है। यहाँ पर हमें वो पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो हम रखना चाहते हैं, तो न्यू पासवर्ड यहाँ पर हमें ले लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे दोबारा से जो आपने ऊपर भरा है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे नीचे भरना है। और 100 अगर आप करना चाहते हैं पासवर्ड को तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पासवर्ड लिया है वो ये मना कर रहा है कि ये पासवर्ड आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई 10 डिजिट तक का नंबर या फिर आपको कोई ऐसी डिजिट लेनी है न्यूमेरिकल में, उसके बाद आपको कैपिटल यूज़ करना है और स्मॉल भी साथ ही साथ आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा। और यहाँ पर हम 100 पासवर्ड में देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सामने आपके देख सकते हैं ये कैपिटल में क्यू और फिर स्मॉल में क्यू, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यूर पासवर्ड चेंजेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। उसके बाद वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है जो कि हमने अभी चेंज किया है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको भर देते हैं और यहाँ पर ये भी हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिट लिखी हुई है, हमें यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का पिन रखना है, जो कि आप दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो बार बार आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, खाली आपको ये पिन डालना पड़ेगा और आपकी एप्लीकेशन ये है ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है। तो बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और आपको ज़रूर काम भी आने वाले हैं आगे चल के। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।